आज हम लोग एक ऐसे हर्बल औषधि गुणों से भरे हुए पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मरुआ, मारवा, सब्जा, स्वीट बेसिल, होली बेसिल, मार्जोरम, वन तुलसी, जंगली तुलसी और भी पता नहीं कितने सारे नामों से जाना जाता है। और जैसे इसके अनेकों नाम हैं ना, वैसे ही इसके अनेकों गुण हैं, अनेकों फ़ायदे हैं। नमस्कार, और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्टी बेस्टी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस खूबसूरत से पौधे। ये पौधा देखने में जितना खूबसूरत है ना, उससे खूबसूरत है इसके गुण। और इसको जैसे हम लोग तुलसी अपनी यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी यूज करते हैं। अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग जाने किस भी नाम से। बस फर्क ये पड़ता है कि इसमें कितने सारे गुण छिपे हुए हैं। जितने सारे गुण हमारी रामा तुलसी में होते हैं, उतने ही गुण इसमें भी होते हैं। बहुत अच्छा पौधा है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह कि इसको आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप कहीं से भी रोड साइड में इसके बहुत सारे अनगिनत पौधे होते हैं, आप आते जाते थोड़ी सी नज़र रखिए, जहाँ पर भी आपको ये पौधा मिले बहुत सारे बीज होते हैं। देखिए मैं बीज दिखाती हूँ, बिल्कुल जैसे तुलसी में मंजरी आती है, ठीक उसी तरह से इसमें भी ये मंजरी आती है। देखिए ये दिख रही है ना मंजरी, और इसी में मंजरी में ही छोटे छोटे से बीज होते हैं जैसे हमारी तुलसी में होते हैं। ये जब नीचे गिरते हैं ना, तो इसमें अपने आप फ्री के बहुत सारे पौधे तैयार होते रहते हैं। ये लॉकडाउन के टाइम पे मैं भी रोड साइड में बहुत सारे पौधे लगे थे, तो वहाँ से कुछ एक मैं मंजरी ले आई थी, वही मैंने बीज डाल दिए थे। और देखिए फरवरी में मैंने इसमें बीज बोए हुए थे, और देखिए कितना बढ़िया सा मेरा पौधा हो गया है। एक क्या इसमें बहुत जल्दी इसमें मंजरी भी निकलती है, और इसकी मंजरी से और अपने आप इसमें जब बीज गिरते जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे से पौधे अपने आप उगते चले जाएंगे। बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और केयरिंग बिल्कुल जितनी तुलसी के पौधे की जैसे आप केयरिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से इस पौधे की भी आपको केयरिंग करनी है। कोई एक्स्ट्रा केयरिंग इसकी नहीं करनी है, बस आप ध्यान रखें जहाँ पर आपने तुलसी लगा के रखी, ये भी एक तरह की तुलसी ही है। वैसे इसको ट्रीटमेंट जो दें तो बस अपनी तुलसी की तरह ही दें, तो कोई भी कठिन काम नहीं है। हम सबके घर में तुलसी होती है, हम सबको पता होता है तुलसी को कैसे हमें ट्रीट करना है, किस तरह से हमें उसमें फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह से पानी देना है। ऑलरेडी एक मैंने तुलसी की रख रखाव का एक वीडियो शेयर किया हुआ है, जो लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे और अपने आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब जगह मैं इसका लिंक दे दूँगी। ठीक उसी तरह से आप इसकी केयर करें, और फ्री का पौधा है, आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसकी जो एरोमेटिक खुशबू होती है बहुत ही आपके दिल और दिमाग को एकदम से खुशबू से भर देगी, आपके दिल और दिमाग को कर देगी बिल्कुल ताज़ा। तुलसी जो हमारी रामा तुलसी होती है, उससे कहीं ज़्यादा इसमें एरोमेटिक खुशबू होती है। तो आप बिना किसी देरी किए इस फ्री के पौधे को आप कहीं पर भी रोड साइड में देखिए, फटाफट से आप इसके घर इसको अपने घर में लगाएं ज़रूर। बरसात के मौसम में बहुत ही आसानी से आपका लग जाएगा, और छोटे छोटे से आपके पास इतने पौधे हो जाएंगे ना कि आपको पड़ोसियों को भी बांटने पड़ जाएंगे। अभी दिखा पाती हूँ आपको, ये चार पौधे मेरे छोटे छोटे से तैयार हो गए थे। और इसमें पता है कि मेरे यहाँ गिलहरी बहुत आती है, अब तक थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, पर यह गिलहरी रात में आती है और चुपके से काम लगा देती है। देखिए ऊपर ऊपर के इसने खा भी रखे हैं, कोई बात नहीं, गिलहरियों को भी खाने देती हैं, धीरे धीरे अपने आप ये बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये फ्री का पौधा अपने गार्डन का हिस्सा जरूर बनाना चाहेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इसको गार्डन का हिस्सा बना लिया ना, तो इसकी खुशबू के आप भी दीवाने हो जाएंगे। जैसे आप चाय में तुलसी की पत्ती यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप यूज करके देखिए कि देखिए कितना इसकी पत्तियाँ कितना आपको फ्रेश फील कराएंगी। यकीन न हो तो करके देखिएगा, और अपने जो आपके एक्सपीरियंस है वो मेरे से ज़रूर शेयर करें कि आपके दिल और दिमाग को इसने कितना ताज़ा किया। उम्मीद है कि जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। बारिश हो रही है, मैं भीग भीग के मैंने बारिश में ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।